और परीक्षण में आपका स्वागत है आज हम पता कर आज हम पता करेंगे आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है सो लेट्स सी द मंथ ऑफ अगस्त फॉर कैप्रिकॉन हाउ विल मंथ ऑफ अगस्त बी फॉर कैप्रिकॉन्स आप इसे अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप कैप्रिकॉन के साथ मकर राशि के साथ कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून एंड राइजिंग पहले ही uh, कुछ कार्ड जो है वो गिर गए बाहर और गोइंग टू शो दीज कार्ड्स टू यू फर्स्ट कार्ड जो है वो एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे अगर आप देखें तो वो एक um, अपने डॉग स्कर्ल और पैसे मनी वो सारी सिचुएशन सारी चीजों की प्रोटेक्शन के लिए बारिश से प्रोटेक्शन के लिए एक शेड जो है वो बना रहा है इट इज एन एनर्जी ऑफ कम्पलीस कम्पलीटिंग समथिंग इट इज एन एनर्जी ऑफ बारिश अच्छी तरह शुरू होने से पहले ही एक तरह से शेड लगभग तैयार है तो इट इज एन एनर्जी ऑफ कम्प्लीटिंग समीट है लेकिन फिर भी एक स्टेप जो है अभी बचता है उसको कम्प्लीट करने के लिए ये सेविंग की एनर्जी भी है और ये अपनों को किसी चीज से किसी सिचुएशन से, से सेव करने की एनर्जी भी है दूसरा जो है वहां पे भी मुझे सेविंग की एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि यहां पे इफ यू सी चार स्वर्ड्स लगी हैं चारों तरफ और जो वुल्फ है वो बाहर बैठे हैं और इसकी प्रोटेक्शन और इसने अपने चप्पल में लाइट जो एक कैंडल है जो जगाई है जो अभी ऑलमोस्ट आधी जल चुकी है और यहाँ पे ये प्रेयर कर रहा है प्रॉबली टू गेट हिम सेव्ड फ्रॉम दिस और शायद ये जो हैं ये चारों तरफ जो हैं बैठे हुए हैं ये स्पोर्ट्स के कारण और कैंडल के कारण आगे नहीं आ रहे हैं इट इज दैट एनर्जी अगेन ऑफ सेविंग फ्रॉम समथिंग अब अगला कार्ड जो देखोगे आप वो टावर कार्ड है और यहाँ पे टावर कार्ड में ऊपर टावर जो है वो बस्ट होता है uh, कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़े जाते हैं जो जंप करती है वो भी गिरने वाली है ऊपर से टावर की एनर्जी एक सडन चेंज की एनर्जी होती है एक सडन अचानक आने वाले बदलाव की अचानक आने वाले अचानक आने वाले सॉलिड बहुत स्ट्रांग बदलाव की एनर्जी होती है और यहाँ पे मुझे सेविंग की एनर्जी और बदलाव की एनर्जी दोनों बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है स्टार कार्ड जो है वहां पे ग्रोथ की एनर्जी बताई जाती है कि आप जहां पे भी <coughs> ये पानी डाल रही है वहां पे यहां पे भी फ्लावर्स उग रहे हैं यहां पे भी फ्लावर्स उग रहे हैं एक्सेप्शनल ग्रोथ एक्सेप्शनल चीजें जो है वो रोशनी में आना तो ये टावर के बाद एक ग्रोथ की एनर्जी आई है विच इज एंड के बाद एक बिगनिंग की एनर्जी किसी तरह की बहुत सॉलिड Uh, मतलब सिचुएशन के बाद अचानक से एक बहुत बड़ी सिचुएशन के बाद एक um, um, एक शिफ्ट की एनर्जी एक नई तरह से बिगनिंग की एनर्जी और यहां पे लास्ट में फिर से टेन ऑफ सोट्स का कार्ड आया है किंग uh, जो है उसके पीछे में स्पोर्ट्स लग गई हैं वो गिरा हुआ है लेकिन उसने अपनी स्फोट जो है वो नहीं छोड़ी है वुल्फ्स हैं उसके आसपास लेकिन uh, उसने अपनी स्फोट जो है अभी भी नहीं छोड़ी है अपनी तलवार जो है उसके अभी भी हाथ में है और टेन ऑफ सोट्स की एनर्जी जो है वो किसी तरह के अंत की लेकिन एक नई शुरुआत की एनर्जी होती है बिकॉज लास्ट में टेन ऑफ सोट्स है आई एम गोइंग टू टेक आउट जस्ट वन मोर क्लेरिफिकेशन फॉर Capricorn for the ये सी नाइन ऑफ सोथ्स दिस इज एन एनर्जी जहाँ पे वो प्रेयर कर रही है नाइन सोथ उसने रखी हैं लाइट्स चलाई हैं वुल्फ उसके साथ है बट शी इज लिटिल स्टक इन टू सम या ही इज लिटिल स्टक इन टू सम कहीं एक uh, uh, बचाने की एनर्जी कहीं किसी के लिए प्रेयर करने की एनर्जी जो है वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉग दिखाई दे रही है पीछे से एक सन जो है वो भी राइज हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना uh, कुछ ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो लेके आने वाला है आपके लिए जो चैलेंजेस एक नई बिगिनिंग के लिए uh, आपको एक नई बिगिनिंग देंगे एक नई शुरुआत देंगे थोड़ी सी स्लीपलेसनेस थोड़ी सी वरी थोड़ी सी एंगजाइटी हो सकती है लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है ओके सो एम गाइडेड वन मोर ओके लेकिन ओवरऑल एनर्जी एंड देन किंग ऑफ कप्स ओके सो डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है कोई कोई नई चीज कोई नई शुरुआत कोई नई बिगनिंग जो है वो आपके लाइफ में आ सकती है यहां पे मुझे थोड़ी सी क्लोज टू डेथ एनर्जी भी दिखाई दे रही है तो हेल्थ सिचुएशन जो है आपकी या फैमिली में किसी की जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है जिसके कारण थोड़ा सा स्लीपलेसनेस हो एंगजाइटी हो लेकिन जो भी सिचुएशन होगी जो भी ये टावर सिचुएशन है जो भी अचानक का ये अंत है जो भी प्रोटेक्शन की एनर्जी है आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो और इस महीने में आपको प्रिपेयर भी करना है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है अपने आप को बैलेंस करना है प्रेयर करनी है मेडिटेशन करनी है क्योंकि जो भी डिफिकल्टीज थी अगर आप गलत एनर्जी में हो तो पकड़े जाओगे अगर आप अच्छी एनर्जी में हो तो जो भी आपके साथ गलत कर रहा है वो पकड़ा जाएगा बिकॉज एक तरह से एक फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत अलग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड अल्टीमेटली इमोशनल बैलेंस और पावर की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है क्योंकि लास्ट में किंग ऑफ कप्स है तो आफ्टर अ बिग रोलर कोस्टर राइड गेटिंग टूवर्ड्स अ बैलेंस्ड माइंड सेट बट देर इज डेफिनेटली अ रोलो कॉस्टर राइट दैट इज वेटिंग फॉर यू दिस मंथ सो अगस्ट के महीने में डेफिनेटली एक रोलो कॉस्टर जो है वो आपकी वेट कर रहा है आपका इंतजार कर रहा है और लेट्स कार्ड्स के आए हैं नाइन ऑफ वार्ड्स का कार्ड है नाइन ऑफ वार्ट का कार्ड लास्ट में आया है टेन ऑफ वार्ड्स का कार्ड है और टू ऑफ कप्स का कार्ड है अगेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कनेक्शन की एनर्जी दिखाई देती है टू ऑफ कप्स जहाँ पे आप किसी के साथ कनेक्ट करते हैं या अपने आपको इमोशनली बैलेंस करते हैं टेन ऑफ वॉन्ट्स कहीं uh, एक एनर्जी जहां पर ना, बहुत बड़ी कंप्लीशन जो है या बहुत बड़ा बर्डन जो है या बहुत कंफ्यूजन जो है वो दिखाई देती है लेकिन वहां से सीढ़ियां जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं इफ यू सी ये <laughs> पेड़ के लॉग्स भी हैं और ये सीढ़ियाँ भी लग रही हैं जो डायरेक्ट मून तक जा रही हैं तो यहाँ पे टेन प्लस टू ट्वेल्व होता है नाइन प्लस वन टेन की एनर्जी होती है और ट्वेल्व टेन दोनों ही बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं और यहाँ पे मुझे मुझे कुछ किसी ऐसी तरह का कुछ ऐसी तरह का कनेक्ट कुछ ऐसी तरह की कंप्लीशन कुछ ऐसी तरह का बर्डन कुछ इस तरह की एंडिंग कुछ इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है जो आपके लिए एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत जो है वो लेकर आएगी एक नई तरह से चीज़ों को आपके लिए शुरू करेगी डॉटर ऑफ कप्स आप अपनी इंट्यूशन जो है उसको बिल्कुल नहीं आपने इग्नोर um, करना है डेफिनेटली इंटिवली uh, कोई एनर्जी जो है वो आपके लिए चेंज हो रही है लेट्स सी व्हाट इज द थीम ऑफ द मंथ उसके बाद में आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स जो है उनको कवर करती हूँ व्हाट इज द थीम ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए थीम ऑफ द मंथ जो है वो क्या है ओके नाउ दिज आर टू मैनी एक अलग आया है तो मैं उसको उठा लेती हूँ एंड लेट मी सी इफ देर इजिंग टू कम ओके सो थीम ऑफ द मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए दो चीज़ें आई हैं और दोनों फाइव फाइव नंबर के कार्ड्स हैं दोनों टेन बनता है मिलकर यहाँ पे आउटसाइडर है और यहाँ पे नथिंगनेस है तो यहाँ पे नथिंगनेस का की एनर्जी एम्प्राइ हाइरोट हा, हाँ की एनर्जी होती है बेसिकली नथिंगनेस की एनर्जी है जहाँ पे आपके पास क्लीन स्लेट है आप कुछ भी उसमें क्रिएट कर सकते हो आप कैसे भी अपनी जिंदगी को आगे ले जा सकते हो लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉकेज की एनर्जी है और अगर आप देखें तो ये जो ये सारी जो चेन लगी है ये ताला खुला हुआ है राइट right? सो so, अगर ये बच्चा रियलाइज करे कि ताला खुला हुआ है तो वो इमिडियटली इस चेन को हटाकर बाहर जा सकता है आप एक लिमिटेशन से बाहर जाना चाहते हैं आप एक नथिंगनेस uh, की एनर्जी से बाहर जाना चाहते हैं आप अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आप एक नई सुबह एक नई बिगनिंग एक नई जर्नी जो है वो चाहते हैं और ताला खुला हुआ है आपको सिर्फ रियलाइज करना है कि लॉक खुला है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है थोड़ा सा आवेखन करना है अपने आप को और आप उस लॉक से बाहर जा पाएंगे दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है टेन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे लग रही है यहाँ पे टेन है यहाँ पे है नाइन प्लस वन फिर से टेन बनता है वहाँ ऊपर टेन ऑफ सोट्स की एनर्जी है तो ओवरऑल मुझे टेन की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग लग रही है आपके लिए और आ, अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा कहीं मुझे रिलेशनशिप में अचानक से कोई एक तरह से ट्रबल्सम टर्बुलेंस जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो या अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ, वर्थ नहीं है तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगी और आप दोबारा से एक नई जर्नी की तरफ जाएंगे अगर वो रिलेशनशिप वर्थ है तो डेफिनेटली एक नई ग्रोथ जो है वो आपके रिलेशनशिप के एरिया में आएगी और अगर कोई भी कहीं से भी किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी कोई स्टक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी तो वो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी पॉजिटिवली बहुत अच्छे के लिए थोड़ा सा स्लीपलेसनेस मुझे दिखाई दे रही है थोड़ी सी एंगजाइटी जो है दिखाई दे रही है उस एंगजाइटी को आपने बैलेंस रखना है अगर मैं करियर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आगे इन करियर में भी एक सडन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है एक सडन हो सकता है कि सडन फॉल हो सकता है कि एक सडनली uh, पता चले कि कोई आपके पीठ के पीछे कुछ कर रहा था सडनली पता चले कि आपके साथ किस तरह का धोखा हो रहा था या सडनली पता लगे कि uh, जो आपकी कंपनी uh, है वो अब नहीं है या वो अब आगे नहीं जाएगी तो कुछ सडन चेंज हो सकता है लेकिन ये सडन चेंज जो है इसको लेकर आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि ये जो um, एक तरह से नो no, जोन uh, होगी जहाँ पे सडन चेंज होगा ये चेंज जो है वो किसी बेहतर सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा आपको ज्यादा पावर uh, देगा आपको ज्यादा अबिलिटी देगा आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देगा आपको सिर्फ रियलाइज करना है कि um, आपके पास ताकत है आपके पास अबिलिटी है आपके पास इंट्यूशन है उसको सही तरीके से यूज करना है हेल्थ की बात करो तो स्पाइन हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने बीपी uh, का अगर इशू है तो आपने उसका भी ध्यान रखना है अचानक बीपी राइज है अचानक बीपी फॉल जो है वो हो सकता है डाइट अपने आप की बैलेंस रखनी है और नींद बहुत ज्यादा जरूरी है uh, और uh, अगर आप रिटायर या हाउस वाइफ है या, या स्टूडेंट इस महीने, इस महीने अपना, अपना है, है जो भी आपके टास्क हैं प्रोजेक्ट्स हैं काम हैं उनको कंप्लीट करना है अगर आप सेविंग्स करते हैं कुछ सोच रहे हैं कि कल से करूंगी या परसों से करूँगी या कल से करूँगा परसों से करूँगा तो वो स्टार्ट करना है किसी भी चीज को कम्प्लीट करने के लिए ये महीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीशन के बाद आपको डेफिनेटली थोड़ी देर के रेस्ट करना एक मेडिटेशन एनर्जी में जाना एक बैलेंस की एनर्जी फॉरेस्ट एग्जाइटी आपको क्या बताना चाहती है और फॉरेस्ट फेयरी जो है आपके लिए आई है वो गार्डन विच ग्रीन विच आई है वो बोलती है कनेक्ट विद द स्पिरिट्स ऑफ एनर्जी एंड ऑफ योर लोकल लैंडस्केप एंड सी एंचांटमेंट सो आपको डेफिनेटली नेचर के साथ कनेक्ट करना है वो यहाँ पे भी दिख रहा है मेडिटेशन करना नेचर के साथ कनेक्ट करना डिवाइन के साथ कनेक्ट करना आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छी एनर्जी दे सकते हैं नथिंगनेस में नहीं रहना है इसमें इन्हें कोशिश करनी है आउटसाइड मतलब बाहर निकलना है अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलना है <laughs> जो भी चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं लेट्स सी लाइट प्रिस्टिस जो है वो आपके लिए क्या एनर्जी देती है प्रिस्टिस ऑफ लाइट लाइट्रिकॉन ऑगस्ट मकर राशि ऑगस्ट के महीने के लिए ओके सो वी हैव टू कार्ड्स फॉर यू पहला कार्ड डिवाइन मदर का है वो नर्चरिंग कंपैशनेट और ग्रेस की एनर्जी बताता है सेवन प्लस थ्री फिर से टेन की एनर्जी बनती है डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी जो है वो आपको गाइड कर रही है प्रोटेक्ट कर रही है नर्चर कर रही है डिवाइन के साथ नेचर के साथ कनेक्ट आपने जरूर करना है और दूसरा जो है हीलिंग द हार्ट है पावर ऑफ सेल्फ लव खुद के साथ प्यार करना खुद को समझना खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना ट्वेंटी है नंबर नाइन बनता है नाइन प्लस फिर से टेन बनता है टेन की एनर्जी फिर से स्ट्रांग है मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह की कंप्लीशन है आपको डिवाइन जो है वो एक तरह से एम्ब्रेस uh, करने वाला है अपने हाथों में लेने वाला है अपने आपके साथ डिवाइन uh, कनेक्ट करने वाला है और आपके हार्ट को हील करने के लिए एनर्जी देने वाला है लेकिन uh, क्योंकि जहां नर्चरिंग होती है जहां मदर की एनर्जी होती है वहां कई बार ट्रबल से भी आपको मदर निकालती है या हील करने में भी मदर आपकी हेल्प करती है मदर की एनर्जी मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि मदर के साथ हेल्थ में कोई इशू हो या कुछ ऐसी चीज हो जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़े या आप अपनी मदर के साथ बहुत समय से ना मिले हों कनेक्ट करें या अपनी मदर को किसी तरह मिलने जाएं कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती

एनर्जी जो है डिल्यूजन की एनर्जी इल्यूजन की एनर्जी थोड़ा सा विकिडनेस की एनर्जी थोड़ा सा कुछ गलत करने की कोशिश करने की एनर्जी ये आपके यहाँ पे मुझे टावर कार्ड में भी दिखाई दे रही है पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा लेकिन हाँ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो विकेड हैं यहाँ पे भी वुल्फ हैं इसके आसपास जो, uh, है, है, जो सेंध लगाए हुए हैं यहाँ पे भी वुल्फ हैं इसके आसपास जो सेंध लगाए हुए हैं यहाँ पे एक पर्सन है जो पकड़ रहा है किसी को तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में लेकिन अगेन अगेन uh, वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली ये इंडिकेट भी कर रही है कि जो भी uh, चीजें हैं, <coughs> हैं जो भी चीजें हैं जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं जो भी ऐसे लोग हैं आप डेफिनेटली उनसे ओवरकम कर सकते हैं और uh, कोई भी चीज जो है वो आपको ओवर पावर नहीं कर सकती है अगर आप सही एनर्जी में हैं अगर आप डिवाइन एनर्जी में हैं आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं पर फिर भी आपको केयरफुल जरूर रहना है तो अपने आसपास के लोगों और सिचुएशन से थोड़ा सा केयरफुल रहिए

विकट वन मीट टू में यही आने हैं मुझे लगा मेरे हाथ से गिर गए तो मैंने उठा दिए बट दे केम बैक सी देर इज इन एनर्जी ऑफ अ कनेक्शन जो आपके लाइफ में आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन एक कनेक्शन जो आपकी तरफ बढ़ रहा है रश कर रहा है फास्ट uh, फॉरवर्ड आ रहा है देर इज एन एनर्जी ऑफ स्लीपलेसनेस लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने बैलेंस के साथ उस स्लीपलेसनेस को ओवरकम कर सकते हैं डरने की जरूरत नहीं है जो भी आपके स्टेप्स हैं वो लीजिए जो भी कम्युनिकेशन हैं उनको बैलेंस कीजिए जो भी रिलेशनशिप है उनको बैलेंस कीजिए थोड़ी सी मुझे एंगजाइटी स्लीपलेसनेस दिखाई दे रही है वो एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है लेकिन उस एनर्जी के साथ मुझे स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है मुझे पावर भी दिखाई दे रही है मुझे लव भी दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है जो अचानक से आपके वन के साथ कनेक्टेड हो अचानक से आपको एक स्ट्रेस एनर्जी मिले जाए लेकिन इमीडिएटली आप अपनी पावर को संभालेंगे और आप स्टेप्स लेंगे जो आपको लेने चाहिए आगे बढ़ने के लिए और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे नंबर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली नंबर टेन है कलर ऑफ द मंथ ग्रीन ब्लू स ग्रीन एंड ब्लू सो बेसिकली आपने थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र के मेडिटेशन जरूर करनी है और अगर आपका मंत्र ऑफ द मंथ जो इस महीने है बी अवेयर आपके आसपास कौन से लोग हैं कैसे हैं कंप्लीशन जो चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो उनको करना है एंड डोंट बी अफ्रेड स्लीप वेल और नो कि आपके लाइफ में एक नई एनर्जी एक नई बिगनिंग एक नई ही आ रही है एंड यू आर टेकन केयर ऑफ़ माई मदर नेचर उम्मीद करते हुए वीडियो आपकी हेल्प करें अगर करें तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ और फीडबैक जरूर दें थैंक यू